जय श्री राम मित्रों। राम जी की बाल लीला कौशल्या माता को दिखाई माया। श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि अयोध्यापुरी में राम जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी द्वारा चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल चरित्र किया करते हैं। एक दिन कौशल्या माता ने राम जी को स्नान कराया और पालने में बैठा दिया। फिर कौशल्या माता ने अपने कुलदेव इष्ट परमात्मा की पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। माता कौशल्या को आश्चर्य तब हुआ कि जब नैवेद्य चढ़ाकर रसोई में गई और वापस आकर देखा तो अपने पुत्र श्री राम जी को वह नैवेद्य ग्रहण करते देखा। माता कौशल्या भयभीत हो गई, मेरे लाल को यहाँ किसने बैठा दिया। आश्चर्यचकित होकर वह वापस पालने में अपने बालक के पास गई तो देखा राम जी यथावत पालने में ही हैं। दौड़कर फिर आकर देखा तो राम जी माता जी द्वारा जो नैवेद्य इष्ट देव को लगाया था उसे ग्रहण कर रहे हैं। कौशल्या माता का हृदय कांपने लगा। वह सोचने लगी, यह दो बालक कैसे हो सकते हैं? मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और कारण है? माता को घबराई हुई जानकर राम जी हंस दिए, अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या ने देखा कि भगवान की वह बलवती माया भगवान के सामने भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। फिर उन्होंने जीव की दशा देखी जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगती जो छोरई ताही। माता कौशल्या के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। हाथ जोड़े राम जी के सामने खड़ी हैं। श्री राम जी बाल रूप में आ गए। कौशल्या माता डर गई, मन ही मन विचार करने लगी, मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र जाना। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। भगवान श्री राम जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, माता यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या माता ने भगवान से आग्रह किया, प्रभु ऐसी कृपा करो कि यह आपकी माया मुझे कभी व्यापे नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में चारों भाई बाल्यावस्था में बड़े आनंद पूर्वक रहते हैं। राजा दशरथ जी और माताएं भगवान की बाल रूप की लीलाओं का आनंद लेते हैं। कुछ बड़े हुए तब चारों भाई खेल के मैदान में खेल खेलने के लिए गए। गेंद का खेल खेलना तय हुआ। इस खेल में दो ग्रुप होना आवश्यक था, किंतु कठिनाई यह हो रही थी कि हर कोई राम जी के ग्रुप में ही रहना चाहता था। राम जी के विपक्ष में कोई अपनी टीम बनाना नहीं चाहता था। तब भरत जी ने राम जी के विपक्ष खड़े होकर अपनी टीम बनाने का निर्णय लिया। किसी ने भरत जी से कहा, आप राम जी के विपक्ष में टीम बनाओगे, क्या आप राम जी से जीतना चाहोगे? भरत जी ने कहा, बात यह नहीं है, हार और जीत तो खेल में होती ही रहती है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि किसी भी तरह राम जी का यह खेल पूर्ण हो जाए। फिर किसी ने कहा, लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं, देखो राम जी ने उन्हें अपने पक्ष में खड़े कर लिए हैं। राम जी ने उन्हें अपनी ओर जानबूझकर शामिल किया है। भरत जी ने कहा, नहीं, भाग्यशाली तो मैं हूँ, विपक्ष में होने का भी फायदा है। लक्ष्मण जी राम जी की टीम में हैं, तो राम जी के ठीक से दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह राम जी के साथ खड़े रहेंगे और मैं सामने वाली टीम में खड़ा रहूंगा, तो राम जी के दर्शन का आनंद लेता रहूंगा। यही तो फायदा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्तों का यह भाव होना चाहिए, किसी भी तरह भगवान के दर्शन होने का हमें लाभ मिलता रहे, और यही उद्देश्य भरत जी का था।
अब गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। राम जी ने गेंद को अपने पांव से ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए सीधे भरत जी के पास आई। भरत जी ने फिर जोर से उस गेंद को ठोकर मारी। गेंद लुढ़कते हुए राम जी के पास पहुंच गई। आश्चर्य तब हुआ जब राम जी ने उस गेंद को दोबारा ठोकर नहीं मारी। किसी ने भरत जी से कहा, आपने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? क्या आप राम जी से ही जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा, नहीं, बात यह नहीं है। मैंने तो उस गेंद को जोर से ठोकर इसलिए मारी कि यह गेंद कितनी अभागी है जो राम जी के चरणों को छोड़कर मेरे पास आई। इसे तो राम जी के चरणों में ही रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जीव का भी यही हाल है, भगवान का आश्रय छोड़कर जगत की ओर भागता है। किसी ने राम जी से कहा, आप भी इसे जोर से ठोकर मारिए, नहीं तो आपकी हार हो जाएगी। आप गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारते हो? आप तो हार गए। भरत जी की विजय हो गई। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ठोकर नहीं मारूंगा, मुझे हार स्वीकार है। किसी ने कहा, क्या कारण है जो आपने इस गेंद को ठोकर नहीं मारी? राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो मेरे भक्तों के द्वारा मेरे चरणों में आता है फिर मैं उसे ठुकराता नहीं हूँ, अपने चरणों में ही रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकरा दूंगा, ठोकर मार दूंगा, तो वह बेचारा जाएगा कहाँ? इसलिए मैं अपने भक्तों के द्वारा जिसे मेरे चरणों में भेजा जाता है उसे मैं सदा सदा के लिए अपना लेता हूँ। चारों भाई खेल खेल में कुछ बड़े हुए। इसके पश्चात कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चारों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। माता पिता के द्वारा चारों भाइयों में संस्कार बचपन से ही सिखाए गए थे। प्रातः काल उठकर माता पिता के चरणों में शीश नवाते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तीनों माताएं चारों पुत्रों को अपने सगे पुत्र के समान प्रेम करती थीं। यहाँ तक कि श्री राम जी तो कैकेयी माता को ही अपनी सगी माँ मानते थे, क्योंकि कैकेयी माता का राम जी के प्रति अत्यधिक प्रेम था। राम जी का यह स्वभाव रहा है, कभी किसी को ठुकराते नहीं है। अवगुण बाली में भी था और अवगुण सुग्रीव में भी था, किंतु भेद इतना था कि सुग्रीव को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया था। हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं। अपने भक्त के द्वारा जो राम जी की शरण में चला जाता है फिर भगवान उसके अवगुण नहीं देखते हैं, उसे शरणागति प्रदान कर देते हैं। राम जी ने भी सुग्रीव जी के अवगुणों पर ध्यान नहीं दिया, बाली को मारकर स्वयं अनेक प्रश्नों से घिर गए। यहाँ तक कि राम जी ने स्वयं स्वीकार भी किया कि तुम्हें छुपकर मारने का मैंने अपराध किया है। स्वयं हार जाना स्वीकार करते हैं, किंतु अपने भक्तों को हमेशा विजय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, एक नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।